नमस्कार, मैं दीपक कुमार। कंगना रनौत के बांद्रा पाली हिल इलाके के दफ्तर की तोड़फोड़ के बाद अब उनके फ्लैट पर भी बीएमसी की नजर है। दरअसल कंगना जिस फ्लैट में रहती है उसमें अवैध निर्माण कार्य का आरोप लगाया गया है। मुंबई महानगर न्यायपालिका ने कंगना के खिलाफ शिकायत लेकर कोर्ट से उनकी बिल्डिंग तोड़ने की इजाजत मांगी है। जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को ढिंडोसी सिटी सिविल कोर्ट में पालिका ने कोर्ट में अपील की थी। खबर है कि कंगना के खार स्थित घर पर अनेक नियमों का उल्लंघन करके निर्माण कार्य किया गया है। कंगना का घर मुंबई के खार इलाके में डीबी ब्रिज इमारत की पांचवी मंजिल पर है। इस घर में साल 2018 में कंगना ने कई बदलाव किए थे। मुंबई महानगर न्यायपालिका ने कंगना पर नियमों को तोड़कर बिल्डिंग निर्माण करने के आरोप लगाए हैं। इन्हीं आरोपों के चलते मुंबई महानगर पालिका ने MRTP एक्ट के अंतर्गत कंगना को नोटिस जारी किया था। जब कंगना को नोटिस मिला था उस वक्त उन्होंने सिटी सिविल कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर महानगर पालिका पर कार्रवाई रुकवा ली थी। हालांकि उस वक्त कंगना ने कोई भी रेनोवेशन परमिशन लेकर कोर्ट में पेश नहीं किया, लिहाजा अब मुंबई महानगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई का स्टे ऑर्डर स्थगित करने की मांग को लेकर कोर्ट में नया सबमिशन किया है। बीएमसी के आरोपों के मुताबिक कंगना ने फ्लैट में 8 बदलाव किए हैं जो नियमों के विरुद्ध है। बीएमसी की इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप ऐसे ही बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बॉलीवुड न्यूज हब आप देखते रहें। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। नमस्कार।